प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी पर वचन के। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर शक्तिमान की फाइट हुई डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से तो जीतेगा कौन। तो जैसा कि आप जानते हो शक्तिमान के पास तो शक्तियां ही हैं, हम तो जानते हैं शक्तिमान कौन है। तो चलिए थोड़ा डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपने हाथ बनाए और फिर इसके हाथ ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और ये बहुत खतरनाक है, अपने लोहे वाले हाथों से बहुत कुछ कर सकता है। इसके हाथ 2.5 किलो से भी ज़्यादा बड़े बड़े और मजबूत है, समझे। तो अगर शक्तिमान की फाइट डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से हुई तो जीतेगा कौन, वही सवाल। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि शक्तिमान जीत जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के पास बस बड़े बड़े हाथी हैं, लेकिन शक्तिमान के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के आगे हैं। ये बात आप भी मानोगे और मैं भी मानता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को बहुत ही अच्छी तरह से शक्तिमान हरा देगा, और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस रोते रोते अपने घर चला जाएगा। और हाँ, आप कहोगे कि उसके मैकेनिकल हाथ तो इतने बड़े बड़े हैं, वो तो उससे हरा देगा शक्तिमान को। कोशिश कर सकता है, लेकिन शक्तिमान उसके हाथ तोड़ देगा, असली वाले नहीं वो मशीन वाले। और यहाँ पे शक्तिमान बहुत ही आराम से डॉक्टर ऑक्टेवियस को हरा देगा, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास हाथों के अलावा और कोई अलग से सुपर पावर नहीं है, और यही उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो वही ऑक्टेवियस के हाथ तोड़ देगा शक्तिमान और जीतेगा शक्तिमान। तो इसी बात पे वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।